हरि ओम। मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हो चुके हैं ऐसी वीडियोस को देखते देखते जो कि दावा करती है कि मात्र 3 दिन में अपना वजन घटाएं या 2 दिन में अपना वजन घटाएं? तो मेरा ये वीडियो आज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप मोटापे से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कुछ ईजी टिप्स जिसकी सहायता से जल्दी आपका वेट लॉस हो जाए, यानी कि बैलेंस में आ जाए अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, तो देखिए 10 दिन में आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, यानी कि अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो नियम मैं बताऊंगी उसको रोज़ाना फॉलो करना है, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। तो देखिए आपने करना क्या है। तो सबसे पहले आपको उस मेथड को समझना होगा कि आपका जो वेट बढ़ता है वह कैसे बढ़ता है, मोटापा यदि आपको आता है, यदि चर्बी आपकी बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है। तो देखिए, हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जितनी भी चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं, वात पित्त कफ, यानी कि जो भी इम्बैलेंस होता है उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, हमारा खान पान और हमारा जो लाइफ स्टाइल होती है, हमारी जो दिनचर्या होती है। तो कैसे आप अपने वात पित्त कफ को बिल्कुल बैलेंस में ला सकते हैं? देखिए, अब कहीं पे आप दवाई लेने जाएंगे कि हमें अपने वात पित्त कफ के लिए बैलेंस करने के लिए कोई भी मेडिसिन दे दीजिए, तो एक साथ कोई भी आपको कोई मेडिसिन नहीं देगा। तो इसका एकमात्र इलाज केवल आयुर्वेद में है, और उसका मैं एक छोटा सा आपको एक नुस्खा बताऊंगी जिसको अपना करके आप 10 दिन के अंदर एक चमत्कारिक असर देखेंगे कि आपका जो मोटापा है वह दूर हो गया है। धीरे धीरे ये होना स्टार्ट होगा और आप देखेंगे कि आपके हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका जो वेट और बिल्कुल बैलेंस में आ गया है। तो देखिए दोस्तों, वात पित्त कफ नाशक कोई भी ऐसी इजीली दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती, बहुत रेयरली आपको मिलेगी, अगर मिलेगी तो मैं आपको एक ऐसा बहुत ही इजी उपाय बता रही हूँ जो कि वात पित्त कफ तीनों का एक साथ नाश करता है। मैं बात कर रही हूँ त्रिफला की। हाँ जी, देखिए जो त्रिफला होती है वो आपके वात पित्त और कफ को एक साथ बैलेंस करता है, और वात पित्त कफ को यदि आप बैलेंस रखेंगे तो आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए त्रिफला होता क्या है और त्रिफला की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि आंवला, हरड़े और बहेड़ा उसके अंदर कितना होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर ही त्रिफला बनता है। तो देखिए ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो आंवला, जैसे कि आप जानते हैं कि आंवले से अच्छा कोई फल नहीं होता है, क्योंकि तो आंवला एक सर्वोत्तम फल है और आंवला एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि यदि आप आंवले को सुबह रोज़ाना लेते हैं तो आप सालों साल जवान रह सकते हैं, ये क्वालिटी होती है आंवले के अंदर। देखिए वाघ भट्ट जी ने मात्र त्रिफला के ऊपर 120 सूत्र दिए हैं, तो इसलिए त्रिफला अपने आप में एक सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि ये वात पित्त और कफ तीनों का नाशक है, यानी कि एक एक चीज़ तीनों का नाशक है। और देखिए आखिर इसका अनुपात कितना होना चाहिए, तो देखिए 1:2:3:1, ये इस अनुपात में मिला करके आपने त्रिफला को तैयार करना है। तो जो आपका हरड़ा है, हरड़े को आपने लेना है 100 ग्राम, बहेड़े को आपने लेना है 200 ग्राम, और आंवले को लेना है आपने 300 ग्राम, क्योंकि आंवला सबसे ज़्यादा उपयोगी फल है, इसलिए आंवले को आपने 300 ग्राम लेना है। और भी इसको मिला करके आपकी ये त्रिफला तैयार हो जाएगा और वात पित्त और कफ तीनों को नाश करेगा। अब इसको आपने, इसको लेने के भी 2 नियम हैं, एक ये रात में लिया जाता है और एक ये सुबह लिया जाता है। तो देखिए सुबह कैसे लेना है आपने इसको, सुबह यदि आप आंवला ले रहे हैं तो आपने इसको लेना है या तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ, ठीक। और यदि आप ले रहे हैं इसको रात के समय, और रात के समय यदि आप इसे लेंगे तो आपने इसको लेना है या तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ, इस तरीके से आपने इसको लेना है। तो देखिए यदि आप लेते हैं इसको सुबह के समय तो ये कहलाता है पोषक, यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी है तो ये पूरी करेगा, कैल्शियम की कमी है तो ये पूरी करेगा, आयरन की कमी है तो ये पूरी करेगा। यदि आपको माइक्रोफ्रेम, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स
जितने भी चीज़ों की कमी है, यदि आप मॉर्निंग में ये त्रिफला लेते हैं गुड़ या फिर शहद के साथ, तो ये आपको पोषकता प्रदान करेगा। अब बात आती है कि रात में क्यों लेने कहा गया, यदि हम मॉर्निंग में ले सकते हैं तो देखिए, यदि आप सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ तो आप इसे सुबह लीजिए, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा पोषकता देगा। और यदि आपको लगता है कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं तो आप इसे रात में लीजिए दूध या फिर पानी के साथ, क्योंकि रात में ये रेचक का काम करता है। देखिए रेचक यानी क्या होता है, आपके जो बॉडी है शरीर की सफाई करता है, टॉक्सिन्स को बाहर करता है। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये लीजिए कि यदि आप रात के समय लगातार 3 महीने तक त्रिफला लेते हैं तो ये समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। 40 साल पुराना कब्ज भी त्रिफला दूर कर देगा, लेकिन आपको रात में लेना है यदि आपको ये सारी प्रॉब्लम है, यदि आप बीमार रहते हैं। त्रिफला लेते समय आपने इसकी मात्रा को हमेशा ही ध्यान में रखना है, इसको कभी भी सब मात्रा में आपने मिलाकर के नहीं लेना है। इसको जिस अनुपात में मैंने आपको बोला 1:2:3, इसी अनुपात में मिला करके आपने त्रिफला को रेडी करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसमें कि इसकी सम मात्रा भी ली जाती है। तो जैसे कि एक बार एक केस मैंने सुना था जिसमें कि रेडिएशन की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें कपड़े भी नहीं वो पहन पा रहा था, उसको ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो उसमें इन तीनों की बिल्कुल सम मात्रा को रेडी करके तब उसको इलाज किया गया था। तो देखिए बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें इनकी सम मात्रा मिलाई जाती है, अदरवाइज 1:2:3 इसमें आपको मिला करके इस तरीके से लेना है। चलिए अब बात करते हैं मोटापे की। तो देखिए यदि मेद बढ़ा हुआ है तो कैसे आपने इसको लेना है, यदि मेद बढ़ा हुआ है तो आपको त्रिफला को सुबह खाना है, ठीक है, ये बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है। और 3 मंथ तक खाना है त्रिफला। खाने का भी एक तरीका है, त्रिफला यदि आप खा रहे हैं तो आपने 3 मंथ खाना है, उसके बाद आपने 15 से 20 दिन का गैप करना है, फिर से आपने 3 मंथ खाना है। इसको लगातार ना खाते जाएं, 3 मंथ खाना है और बीच में गैप करके खाना है। अब देखिए गैप आपने क्यों करना है, यदि आप इसको 3 महीने से ज़्यादा लगातार खाते जाते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आप 3 महीने से ज़्यादा लगातार आप इसे खाते हैं तो आपको वीकनेस फील होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 मंथ खाना है, उसके बाद 15 से 20 दिन का गैप करना है, फिर 3 मंथ खाना है, फिर 15 से 20 दिन का गैप करना है। हाँ, आंवला आप ज़िंदगी भर खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन त्रिफला का जो मैंने बताया है इसी तरीके से आपने खाना है, अदरवाइज़ आप हैबिचुअल हो जाएंगे। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आपने कितनी मात्रा लेनी है। तो देखिए यदि आपको वज़न कम करना है तो आपको लेना है 3 से 4 आंवला और 1 बड़ा स्पून, यानी कि अगर आप आंवला ले रहे हैं मात्र तो आपको 3 से 4 लेना है, और यदि आप त्रिफला को ले रहे हैं तो आपने 1 बड़ा टीस्पून लेना है त्रिफला। अब इसको आपको खाना है या तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ, और मॉर्निंग में आपने लेना है यदि आपको अपने वेट को कम करना है। और यदि आपको और प्रॉब्लम्स है जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर और भी बीमारियां हैं कि आपका पेट ठीक नहीं रहता है और आपको बहुत पुराना कब्ज है, तो आपने क्या करना है, आपने रात को 1 चम्मच आंवला लेना है आपने गुड़ के साथ, और उसके पीछे से आपने दूध पी लेना है। तो देखिए दूध के साथ यदि आप कुछ ले सकते हैं तो यानी कि आंवले के साथ आप दूध ले सकते हैं, अदरवाइज जैसे कहा जाता है कि नमक के साथ दूध नहीं लेना चाहिए और खाने के साथ साथ दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप आंवले के पीछे से दूध ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है। तो इस तरीके से आपने लेना है, आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर आपका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा नियंत्रित हो जाएगा। आपको जो लगता है कि आपकी एक्स्ट्रा चर्बी है, बहुत ज़्यादा मेद आ गया, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो है वज़न नियंत्रित होने लगेगा। ये एक आयुर्वेदिक तरीका है वज़न कम करने का, यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो आप इसे रोज़ाना अपनाएं और रोज़ाना आप इसे करके देखें, 10 दिन के अंदर आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। और जो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं और उन प्रॉब्लम में उनके अकॉर्डिंग ही आपने उतनी ही मात्रा लेनी है और उसी तरीके से लेना है। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम।